जी टीवी के सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में बढ़ रही है जारा और कबीर की नजदीकियां और जुड़ रहा है दोनों का किस्मत कनेक्शन। देखिए ना किसी बहाने से इन्हें करीब आने का मौका मिल ही जाता है। असल में जारा अब बच्चों की केयर टेकर बनकर आ गई है कबीर के घर में और जारा से सभी बच्चे हैं बेहद खुश और ये सब साथ मिलकर करते हैं ढेर सारी मस्ती। और इसी के साथ बच्चे प्लान करते हैं कबीर की पहली बीवी जारा के बर्थडे के मौके पर रूम को सजाने का। ये सभी सजावट और जारा की फोटो देखकर कबीर इमोशनल हो जाता है और ऐसे में जब नई जारा वहाँ पहुँचती है तो दोनों के बीच बनता है क्यूट मोमेंट। हम मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी केयर टेकर है इन बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे ये ही केयर टेकर को चाहते हैं और इस केयर टेकर को केयर टेकर बुलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और वो बच्चों को बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करती, वो इक्वल की तरह ट्रीट करती है। और हमारा मानना है कि शायद यही बात है, अगर कुछ सिखाना हो ना तो एक दोस्त की तरह सिखा। जहाँ तक हम दे सकते हैं जाहिर सी बातें हम देंगे। अभी कोई चीज़ें कोई ऐसी चीज़ें जिस पर हम अग्री नहीं करते उस पर साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर हम नहीं मानते जिस चीज़ में तो फिर कैसे साथ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभार देखिए हर बार रोने से मैं आपको सच बताऊं हम लोग के ही सेट पे आप भी ये बच्ची ले लो, हर बार अगर रोएगी और हर बार उसके रोने पर उसको चीज़ें मिलेगी तो फिर ये आगे जाके बहुत नुकसानदेह होगा उसके अम्मी अब्बू के लिए, एक उसके वालिद के लिए। क्योंकि कभी कभार ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपके अभी बच्चा समझ नहीं पाता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, बच्चे को 3 बार चॉकलेट खाना है दिन में, अभी हम उसे डांट देंगे वो मांगना बंद कर देगा, आप कहेंगे उसका बचपना मर रहा है, लेकिन 3 बार चॉकलेट खाने से भी उसका बचपना क्या सब कुछ मर जाएगा। तो सर्टेन टाइम्स ज़िंदगी में आपको सख्ती से पेश आना पड़ता है। सख्ती कितनी सख्त होनी चाहिए वो अलग बात है, लेकिन हाँ बिल्कुल कभी कभार आपको ना द वर्ड नो, नो मीन्स नो वाला हिसाब है कि कभी कभार नो बोलना चाहिए। वैसे इन सब के बीच रुखसार कोई ना कोई अड़ंगा डालती ही रहती है लेकिन बच्चों ने उसे भी कमरे में बंद कर दिया है